श्री राम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री राम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। मारिच और सुबाहु का वध श्री राम ने किया, गुरु विश्वामित्र के आश्रम फिर वो गए हैं। विश्वामित्र लगे बताने राम को एक कहानी, मिथिलापुरी एक नगरी है यहाँ पे जानी मानी। धनुष यज्ञ की प्रथा यहाँ पे सदियों से चली आई, राजा जनक ने ये प्रथा भी आज तलक है निभाई। धनुष यज्ञ अब राजा जनक को फिर से करना है, यज्ञ देखने साथ मेरे तुमको भी चलना है। क्या है धनुष यज्ञ श्री राम ये पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। विश्वामित्र ने श्री राम को फिर है समझाया, देवरात नामक राजा ने यज्ञ था एक कराया। सभी देवता राजन ने उस यज्ञ में बुलवाए, देवरात राजा देवों के मन को है भाए। पिनाक नाम के धनुष उन्होंने किया राजन को दान, साधारण को नहीं धनुष ये शिव का है वरदान। राजा जनक तो उसी धनुष का यज्ञ रहे हैं कर, अपनी पुत्री सीता का भी रचा दिया स्वयंवर। उसी यज्ञ को देखने के लिए हम भी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का। यज्ञ में जाने की अगले दिन हो गई तैयारी, विश्वामित्र राम लखन और ऋषि मंडली सारी। जनकपुरी को फिर तो कर दिया सबने ही प्रस्थान, इस नगरी की शोभा न्यारी क्या मैं करूं बखान। बड़ी मनोरम यज्ञशाला राजा ने बनवाई, विश्वामित्र के आने की है खबर जैसे पाई। राजा जनक खुद फिर तो स्वागत करने आए हैं, देखा के दो राजकुमार भी साथ में आए हैं।
का परिचय फिर तो गुरु से पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का। दशरथ की संतान, राम लक्ष्मण नाम है इनके, बड़े ही हैं बलवान। ताड़ का नाम की राक्षसी का वध किया इन्होंने ही, मारिच और सुबाहु को भी दे दी है मुक्ति। यज्ञ मेरा संपन्न हुआ है इनके ही कारण, ले आया मैं जनकपुरी में इनको अपने संग। देख के राजकुमारों को है जनक बड़े हर्षाए, उत्तम प्रबंध उनके ठहरने की भी करवाए। देख आतिथ्य राजा जनक का खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का। फिर जल्दी प्रातः उठ गए राम लखन, विश्वामित्र संग टहलने आ गए हैं उपवन। देख आश्रम एक ऋषि का, राम ने ये पूछा, कौन ऋषि का है ये आश्रम कोई ना रहता। बोले विश्वामित्र ऋषि यहाँ रहते थे गौतम, या शाप अपनी पत्नी को इंद्रदेव के कारण। उनकी पत्नी नाम अहिल्या बनी हुई पत्थर, हो उद्धार चरण से तुम्हारे यही मिला है बल। अपने पैर से पत्थर को वो अहिल्या बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का। संग में फिर से वो है जनकपुरी आए, बोले राम के पिनाक धनुष को देखना हम चाहें। राजा जनक से विश्वामित्र ने लेकर के आज्ञा, राम लखन को संग लाकर वो धनुष है दिखा दिया। बोले राम के धनुष सुना है शिव शंकर का था, राजा जनक के पास धनुष ये कैसे है आया। सुनकर उनकी बात है किस्सा जनक ने बतलाया, सती दाह के समय धनुष ये देवों ने पाया। देव तगण फिर मेरे कुल में इसलिए आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुन
किस्सा राजा जनक ने उनको और भी बतलाया। एक समय पे अकाल पड़ा ही नगर में थाया, बिना अन्न के सारी प्रजा हुई भूख से व्याकुल। तब मैं स्वयं ही जाकर खेत में लगा जोतने हल। जैसे ही खेतों में जाकर हल मैंने है चलाया, एक अद्भुत कन्या को मैंने धरा बीच पाया। लालन पालन किया है मैंने, नाम रखा सीता। सुयोग्य वर मिले उसे ये स्वयंवर दिया है मैंने रचा। सुनकर जनक की बातें राम जी तो मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े। यज्ञ के मंडप पे फिर तो संग गुरु के आए, शिव के धनुष को फिर कई सैनिक मंडप में लाए। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र फिर आए बीच सभा, कहने लगे कि जो भी चढ़ाए धनुष की प्रत्यंचा, उसी वीर को ही सीता वर माला पहनाए। करके फिर तो सभी वीर आए, लेकिन डोर धनुष की कोई चढ़ा नहीं पाया। शर्मसार हो गए सभी और अपना शीश झुकाया। देख के जनक फिर सिंहासन से उठ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े। जनक है आए योद्धा देश विदेश से, हिला सका ना धनुष को कोई, हैरान हूँ देख के। राजा जनक ने फिर तो सबसे कह दी बात निराली, क्या ये पृथ्वी वीरों से अब हो गई है खाली। सुन के बात ये लखन लाल को आया बड़ा ही क्रोध, का मेरे नहीं तुम्हें है बोध। सूर्यवंशी है हम, क्या इस धनुष की है औकात। कहो तो मैं कैलाश हिला दूं जहां है भोलेनाथ। देख के क्रोध लखन का सारे डर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जवाते हैं, कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का। लखन का क्रोध राम ने किया उन्हें संकेत, अपने स्थान पे लखन लाल फिर जाकर गए हैं बैठ। बोले विश्वामित्र राम से उठ जाओ अब राम,
यहाँ कर दो वैसा ही काम। अपने बाहुबल को राम अब सिद्ध करके दिखलाओ, मेरा आशीर्वाद है जाकर धनुष पे डोर चढ़ाओ। लगे सोचने सभी वीर ये बालक है नादान, शू के धनुष पे प्रत्यंचा ये कभी न पाए तान। जिसकी जैसी भावना वैसी सोच वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। धीरे धीरे श्री राम फिर बढ़े धनुष की ओर, सीता माँ भी उन्हें देख कर हो गई भाव विभोर। लगी सोचने इष्ट देव तुम लाज मेरी रखना, उठ जाए ये धनुष राम से इतना हल्का करना। जाकर राम ने आसानी से फिर तो धनुष उठाया, पकड़ के डोरी सू के धनुष को राम ने फिर तो चढ़ाया। खींच के डोरी छोड़ी तो फिर गर्जन हुई भयंकर, और धनुष भी टूट धरा पे फिर तो गया बिखर। सुन कर के टंकार कुछ तो मूर्छित होते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। कैसे संभव कर दिखलाया, ना साधारण योद्धा कोई है ईश्वर साकार। श्री राम की लगे बोलने फिर तो जय जयकार। धीरे धीरे आई सीता फिर सखियों के साथ, पहनाई वरमाला हुई है पुष्पों की बरसात। जनक कहे विश्वामित्र से दे दो मुझे आज्ञा, जाके अयोध्या दशरथ जी को दूं संदेश सुना। फिर वो अयोध्या नगरी में संदेश पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। दशरथ ने वो फूले नहीं समाए, खबर राम की जनकपुरी से दूत जो लेकर आए। विवाह निमंत्रण राजा जनक ने राजन को भेजा है, राजा जनक की प्रतिज्ञा को राम ने पूरा किया है। सगे और संबंधियों के संग जनकपुरी को पधारे, राह आपकी देख रहे हैं जनकपुरी में सारे। तीनों रानियों को
दशरथ ने फिर संदेश सुनाया। झटपट हो गई तैयारी, एक पल भी नहीं गवाया। सह परिवार फिर राजा दशरथ मिथिला जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का। फिर दशरथ जी का स्वागत करने आए। बोले जनकपुरी में आकर भाग्य मेरे है जगाए। पुत्री सीता का करना है विवाह राम के संग, एक पुत्री उर्मिला के लिए योग्य बड़े लक्ष्मण। मांडवी और कीर्ति है मेरे भाई की कन्या, भरत और शत्रुघ्न के संग होना उनका विवाह। राजा दशरथ सुन कर के ये वचन बड़े हर्षाए। शुभ मुहूर्त में चारों भाइयों ने फेरे लगाए। मंगल गान सभी मिलकर इस खुशी में गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े का। जनक ने अनेक घड़ी विदाई की आई, अब ये होना था एक दिन। आँखों में है आंसू जनक के और मन में है खुशी, यही हालत होती है हर बेटी के पिता की। होती है जो रीत रस्म वो पड़ती निभानी है, बाबुल के घर की चिड़िया एक दिन उड़ जानी है। सीता राम विवाह कथा ये डीएस पाल ने गाई, फौज सुरेश भी हुआ धन्य जब लिखने लगा कविताई। अगली कथा में बाकी का वृत्तांत सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का न